आज हम चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत सुंदर लीला पर चर्चा करेंगे, जिसमें कैसे उन्होंने एक दिग्विजयी पंडित श्री केशव कश्मीरी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। ये बहुत उत्तम कथा है और आप इसे ध्यान से सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राज्यसभाओं में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे, उन्हें समय समय पर बहुत सारा पुरस्कार भी दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे और राजाओं की ओर से उनका बहुत सम्मान किया जाता था। पंडितों का शास्त्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या धनिकों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था। जो बोलने चालने में बहुत पटु होते थे, वे पूरे देश में दिग्विजय के लिए निकलते थे। और जो ऐसे पंडित होते थे, इनको किसी न किसी राजा या किसी धनी का आश्रय होता था। और जब वे निकलते तो अपने साथ बहुत से पंडित, घोड़े, हाथी और बहुत सारा ठाट बाट रखते थे। और उन प्रसिद्ध स्थानों पर वो जाया करते थे जिन्हें विद्या का केंद्र समझा जाता था। और वहाँ पर जाकर के वो ऐसी मुनादी कराते थे, घोषणा करवाते थे कि जिसे भी अपने पांडित्य का अपमान हो वो आकर के उनसे शास्त्रार्थ करे। और वो ये भी कहते थे कि यदि कोई शास्त्रार्थ में उन्हें हरा देगा तो ये अपना सारा धन छोड़ करके लौट जाएंगे, और अगर ना हरा पाया तो हम ये मानेंगे कि हमने यहाँ के सारे विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उनकी ऐसी मुनादी को सुनकर के कहीं कहीं विद्वान तो मिलकर के उनसे शास्त्रार्थ करते और कहीं कहीं वो यूं ही विजय पत्र पे लिख करके दे देते कि आप जीत गए। और इस तरीके से दिग्विजयी अपनी विजय का डंका पीट करके दूसरी जगह चले जाते। और ऐसे लोगों को जो धनी लोग होते थे वो बहुत आदर करते थे और बहुत सारा उपहार देते थे। तो ऐसे ही कश्मीर के केशव शास्त्री भी अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए अब नवद्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए आए। और उस समय नवद्वीप विद्या का और विशेष करके न्याय का बहुत अच्छा केंद्र माना जाता था, उसकी बड़ी ख्याति थी। तो जब केशव शास्त्री वहाँ पर एक दिग्विजयी के रूप में पहुँचे तो उनके पूरे नगर में चर्चा होने लगी। जहाँ भी विद्यार्थी और पंडित मिलते तो इसी बात की चर्चा होने लगती। कोई कहता कि नवदीप को विजय करके चला गया तो नवदीप की नाक कट जाएगी, तो कोई दूसरा कहता कि अजी न्याय क्या जाने, न्याय की ऐसी कठिन पंक्तियाँ पूछी जाएंगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। तो कोई कहता लेकिन उसके सामने जाएगा कौन, बड़े बड़े पंडित तो गद्दी छोड़कर सभाओं में जाना ही नहीं चाहते। वास्तव में होता क्या था कि बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि कुछ तो पढ़ाते बहुत अच्छा थे लेकिन वो शास्त्रार्थ करना ही नहीं जानते थे। और कुछ विद्वान होने पर शास्त्रार्थ करते भी, पर शास्त्रार्थ के लिए जो आवश्यक चालाकी चाहिए, धूर्तता चाहिए और बात को काटने की कला चाहिए वो उनमें नहीं होती थी। तो इसलिए ये घूम घूम कर दिग्विजय करने वाले जो पंडित होते थे उनसे बहुत घबराते थे। और कुछ लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के डर से शास्त्रार्थ नहीं करते कि कहीं हार न जाए, हार गए तो बड़ी बदनामी होगी। अब जब विद्यार्थियों ने जाकर ये बात निमाई पंडित से कही कि कश्मीर से एक दिग्विजयी पंडित आए हैं, उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े विद्वान पंडित हैं, उनका कहना है नवद्वीप के विद्वान या तो उनसे शास्त्रार्थ करें, उन्हें तो विजय पत्र पे लिख के दे दें। तो ऐसे विद्यार्थी आपस में बात करते हैं कि सुनते हैं कि उन्हें सरस्वती सिद्ध है, शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठ में बैठकर शास्त्रार्थ करती है, इसीलिए वे संपूर्ण भारत को जीत करके आए हैं। सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है? और इसी कारण उन्हें बहुत अभिमान भी है। वे अभिमान में बार बार कहते हैं कि मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करने वाला तो पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं हुआ। और इसीलिए नवद्वीप के सभी पंडित डर गए हैं। विद्यार्थियों की बातें सुनकर निमाई ने कहा, चाहे किसी का वरदान ही क्यों न प्राप्त हो,
अभिमानी का अभिमान तो अवश्य ही चूर्ण होता है। भगवान का नाम ही है मदहारी, जो अभिमानी के मद को हरण कर लेते हैं। अभिमान करने से तो बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, फिर ये दिग्विजयी चीज ही क्या है। और इस तरह निमाई ने उस दिग्विजयी के बारे में ये पता लगा लिया कि वो क्या क्या करते हैं, गंगा जी के तट पर किस समय आते हैं, और यदि आते हैं तो किस घाट पर आते हैं, उनका समय क्या है। और इस तरह निमाई को पता चला कि एक घाट पर दिग्विजयी नित्य आकर बैठते हैं। निमाई उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे। निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। निमाई उनसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्हें यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल ही जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि की यही तो विचित्रता है। इस बात को जताने के लिए निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय है, कलकल करती हुई गंगा जी तेज गति से समुद्र की ओर दौड़े जा रही हैं, मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का समय ही नहीं है। वे अपने काम में किसी की परवाह किए बिना निरंतर लगी हुई हैं, और आकाश में भांति भांति से कलरव करते हुए पक्षी अपने घोंसलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सूर्य अस्ताचल में प्रस्थान कर रहे हैं, और संध्या देवी का शोक के कारण चेहरा लाल पड़ गया है, और मानो संध्या देवी को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान निशानाथ अर्थात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित उदित हो गए हैं और प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। और उनका स्वरूप, उनका जो प्रतिबिंब है, वह जाह्नवी के, गंगा जी के जल में बड़ा ही भला मालूम पड़ रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। और वहाँ सभी पाठशालाओं के बड़े मेधावी छात्र आज उस घाट पर बैठे हैं और एक दूसरे के निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। और इन्हीं छात्रों के बीच निमाई पंडित तो मानो उन सब के सिरमौर हैं। इस शास्त्रार्थ जो वहाँ हो रहा है उसके जान वही हैं, और वही सभी विद्यार्थियों से मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी शास्त्रार्थ करने के लिए उत्साहित करते हैं। इसी बीच दिग्विजयी पंडित भी अपने दो चार करीबी पंडितों के साथ गंगा जी आ जाते हैं। केशव शास्त्री का शरीर बड़ा सुंदर है, गौर वर्ण है, सुगठित है, लेकिन स्थूल है। बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं हैं और उनके गोल चेहरे के ऊपर बड़ी आँखें बड़ी भली लग रही हैं, और उनके चौड़े मस्तक पर चंदन का टीका लगा हुआ है। सिर के आधे बाल पक गए हैं, पर फिर भी चेहरे से रोब और विद्वता प्रकट हो रही है। शरीर में अभिमान साफ साफ नज़र आ रहा है। केवल एक सफ़ेद कुर्ता पहने हैं और नंगे सर आकर के दिग्विजयी ने गंगा जी को प्रणाम किया और आचमन करके थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे। फिर वैसे ही मनोरंजन के लिए विद्यार्थियों की ओर चले गए। निमाई के समीप विद्यार्थियों ने बताया कि निमाई देखो, ये वही दिग्विजयी हैं। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजयी ने बैठने में संकोच किया, पर जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए। निमाई पंडित ने अपना वस्त्र उनके लिए बिछा दिया। दिग्विजयी के सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद सभी विद्यार्थी चुप हो गए। सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया। हंसते हुए दिग्विजयी बोले, भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। इतने पर भी सब चुप ही रहे। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई के मुख की ओर देखने लगे, तो कुछ प्रसंग अब वहाँ चले। इसके लिए फिर दिग्विजयी ने निमाई पंडित से पूछा
कि भाई तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो। तो इस प्रश्न को सुन करके वहाँ बैठे एक योग्य छात्र ने कहा कि अरे ये तो यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित हैं। तो इस बात को सुन करके दिग्विजयी ने प्रसन्नता प्रकट की और निमाई की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, निमाई पंडित आपका ही नाम है, हमने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँ पर जो व्याकरण है अर्थात जो व्याकरण में श्रेष्ठ माने जाते हैं, आप तो उनके सिरमौर हैं, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाएं। तो निमाई पंडित ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा, ये तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है, मैं तो किसी भी योग्य नहीं, भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ, मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं हूँ। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है, आपकी कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी गई है, ये छात्र मंडली आपके कवित्व को श्रवण करने के लिए बहुत उत्सुक हो रही है, कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर दिग्विजय पंडित हंसने लगे। पास के दो चार विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हम लोगों की इच्छा को जरूर पूर्ण कीजिए, हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं, आपकी कविता सुनना चाहते हैं। अब तक दिग्विजयी को नवद्वीप में अपनी अलौकिक प्रतिभा को प्रकाशित करने का मौका नहीं मिला था, तो उन्होंने सोचा कि यही मौका है और कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए। तो गर्व से मिली हुई प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, तो जो तुम सुनना चाहते हो वही सुनाएंगे। इस पर निमाई पंडित जी ने धीरे से कहा कि कुछ भगवती भागीरथी अर्थात गंगा जी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे हमारे कान भी पवित्र हों और आपके इस काव्य के अमृत का भी हम आस्वादन कर सकें। इतना सुनते दिग्विजयी धारा प्रवाह से गंगा के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नए थे, उसी समय नए नए श्लोकों की रचना करते और उन्हें बोलते जाते। उन्हें श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता था और न एक श्लोक के बाद ठहर करके कुछ सोचना ही पड़ता था, जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हो और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए उसी प्रकार दिग्विजयी श्लोक बोले जा रहे थे। सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजयी की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सभी के चेहरे में बड़ा आश्चर्य प्रकट हो रहा था, उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला आज तक कभी कहीं नहीं देखा था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजयी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे और दुगने उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास से युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते थे। आधा घंटा भी नहीं हुआ और उन्होंने 100 से अधिक श्लोक बोल दिए और फिर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया। तो इस सन्नाटे को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृत वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य न कभी सुना, न आप जैसे कवि के कभी दर्शन ही किए। आपके काव्य को आप ही समझ सकते हैं, दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम सुनना चाहते हैं। कुछ गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजयी ने कहा कि केशव की कमनीय कविता में दोष तो नहीं हो सकते, हाँ व्याख्या कहो तो कर दो, बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो। यह बात दिग्विजयी ने निमाई पंडित को चुप करने के लिए कही थी, क्योंकि वे समझते थे कि उन्होंने सारे श्लोक तो अभी बनाए हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोले हैं, अब एक कौन सा श्लोक बोलेंगे, ये तो उन्हें याद ही नहीं रहेगा कौन सा श्लोक बोलना है और यहीं पर बात समाप्त हो जाएगी। पर निमाई भी कोई साधारण पंडित तो थे नहीं, दिग्विजय यदि भगवती के वर से कविवर हैं तो ये भी श्रुतिधर है, सुनने में इनसे श्रेष्ठ कौन होगा। इन्होंने झट अपने कोमल कंठ से एक श्लोक पढ़ा और उसको कहा कि आप इसकी व्याख्या और गुणदोष कहें। निमाई के मुख से अपने श्लोक को बिल्कुल वैसा ही सुनकर दिग्विजय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उनका मुंह फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे, मानो
दिग्विजयी की जो प्रतिभा थी, जो उनके चेहरे में कांति थी, जो प्रभा थी, वो सब निमाई के पास आ गई हो। कुछ बनावटी उपेक्षा सी करते हुए उन्होंने बोला, आप बड़े चतुर हैं, मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था, उनके बीच आपने श्लोक कंठस्थ भी कर लिया। निमाई ने धीरे से नम्रतापूर्वक कहा, सब आपकी कृपा है, कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुणदोष सुनाइए। दिग्विजय ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम तो व्याकरण हो, तुम्हें तो व्याकरण आती है, तुम इसे क्या समझोगे। तब निमाई ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन तो नहीं किया, तो उसे सुना तो फिर भी है, कुछ तो समझ ही जाएंगे। फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र और पंडित भी बैठे हैं, उन्हें भी आनंद आएगा। अब दिग्विजय ज़्यादा टाल मटोल न कर पाए और वे अनिच्छापूर्वक बेमन से श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के पश्चात उपमा और अनुप्रास आदि अलंकारों के गुण बताए, फिर वे चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी नम्रता से कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो और आप अनुचित न समझें तो मैं भी श्लोक में कुछ गुण दोष बता दूं। ऐसा सुनकर मानो किसी क्रोधित सांप पर किसी ने पैर मार दिया हो। संसार विजयी सरस्वती के वर प्राप्त दिग्विजयी पंडित के श्लोक में एक युवक अध्यापक दोष निकालने का साहस करता है। उन्होंने बनावटी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा बताओ श्लोक में क्या गुण दोष है। अब निमाई पंडित श्लोक की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा, श्लोक बड़ा ही सुंदर है, वैसे तो लगाने में सैकड़ों गुण और दोष निकलते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसमें 5 गुण और 5 दोष हैं। दिग्विजयी ने झुंझलाकर सिर हिलाते हुए कहा, बताओ कौन कौन से दोष हैं। तब निमाई ने सरलता से कहा कि पहले श्लोक के गुण सुनिए, उसके पश्चात उन्होंने उनके दोष बताए। महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान निर्भीक होकर धारा प्रवाह गति से बोलते जाते थे। सभी दर्शकों के चेहरे से प्रसन्नता की किरणें निकल रही थी। दिग्विजयी लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे थे। निमाई पंडित का एक एक शब्द कांटे की तरह उनको चुभ रहा था, उससे वे मन ही मन दुखी हो रहे थे, किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा करते थे कि मानो सब ठीक हो, किंतु चेहरा तो अंतःकरण का दर्पण है और उनके अंतःकरण के भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। निमाई पंडित के चुप हो जाने पर दिग्विजय नीचा सिर किए हुए चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने अपने मुख से एक शब्द भी इनके जवाब में नहीं कहा। यह देखकर विद्यार्थी ताली पीट कर हंसने लगे। निमाई पंडित ने डांट कर उन विद्यार्थियों को मना किया। दिग्विजयी को लज्जित और खिन्न देखकर आप नम्रता के साथ उनसे कहने लगे कि हमने तो ये बाल चापल्य में आपसे बातें कह दी हैं, आप इनका बुरा ना माने, हम तो आपके शिष्य तथा पुत्र के समान हैं। अब बहुत रात व्यतीत हो चुकी है, आपको भी नित्य कर्म के लिए देर हो रही होगी, हमें भी अपने घर जाना है, अब आप पधारें, कल फिर दर्शन होंगे। आपके काव्य को सुनकर हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। रही गुण दोष की बात, सो सृष्टि में कोई भी वस्तु दोष से खाली नहीं है, गुण दोषों के मिश्रण से ही तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कालिदास जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं। ये तो कुछ बात ही नहीं है कि दोष ही न हो, अगर दोष नहीं होगा तो गुणों के महत्व को कौन समझेगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। यह कहकर सबसे पहले निमाई पंडित उठ बैठे। उनके उठते ही सभी छात्र भी एक साथ उठ खड़े हुए। सर्वस्व गवाए हुए व्यापारी की भांति निराशा के भाव में दिग्विजय भी उठ खड़े हुए और धीरे धीरे अपने डेरे की ओर चले गए। इस तरीके से निमाई पंडित ने एक दिग्विजयी का मान भंग किया और उन पर एक प्रकार से कृपा ही करी। ये बहुत सुंदर कथा थी। आगे दिग्विजयी को क्या महसूस होता है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।